हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं तुषार चौधरी आपके लिए लेते आए हुए आई के ट्रेनिंग ऑफिसर थे ऑल द क्वेश्चन सीरीज। ये 10 नवंबर 2016 का पेपर है जो आई के ट्रेनिंग ऑफिसर का व्यापम द्वारा करवाया गया था। मैथिनी मोटर वितल का ऑल द पेपर है। आज तो इसे हम सवाल कर रहे हैं, इसमें मैंने दो पार्ट अब तो सवाल करवा दिए, ये तीसरा पार्ट है जो सवाल कर रहे हैं। इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है, इससे पहले मेरे चैनल तो आधा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वह है, अनुपातिक भार पर अच्छे आईसी इंजन की ऊष्मीय दक्षता का परास क्या है। What in the range of thermal efficiency of both IC engine in retail loan? 10 to 20%, 30 to 35%, 60 to 70%, 80 to 90%। तब तक राइट आंसर हो जाएगा शेतन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंटीलॉक ब्रेक प्रणाली का भाग नहीं है। ये तो क्वेश्चन तो ध्यान से देना, भार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए कंपोजिट इन एट एन एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, पावर स्ट्रीम प्रणाली पंप यानी पावर स्ट्रीम पंप, मास्टर सिलेंडर, सोलेनाइट वाल्व, बॉडी असेंबली, व्हील सेंसर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाए तो वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। राइट आंसर क्या है, पावर स्ट्रीम सिस्टम है। नेक्स्ट है, टूल कुछ फंत वायु अक्ष पर लॉजिंग लॉटिन केंद्र प्रयुक्त किए जाते हैं क्या है। लॉटिन हाफ आर यूज ऑन सेम फंत ड्राइव एक्सल टूल। तो फोर अंतर ऑप्शन दिए है। फर्स्ट है, ईंधन की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए यानी इम्प्रूव द इकोनॉमी, इम्प्रूव फ्लू इकोनॉमी, पहिए की आयु में वृद्धि, इंट्रीट टायर लाइफ, इंजन और स्नातक स्नातर स्थिति दिशाओं तो रोतने के लिए, रिड्यू इंजन एंड ट्रांसफर टेस्ट वेयर एबो ऑल ऑफ द एबो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तीनों, क्या हो जाएगा, तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जो तीनों में यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है, वाष्प लॉट इसलिए होता है क्योंकि वेपर लॉ इन द टेस्ट बिकॉज ऑफ, राइट, उच्च वाष्प दाब के कारण कार्बोरेटर जेट लॉट हो जाते हैं। लॉडिन कार्बोरेटर जस्ट ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर, तेज वाष्पन के कारण इंजन तो अत्यंत ईंधन आपूर्ति होती, स्ट्रेस फ्लू सप्लाई टू इंजन ड्यू टू द फर्जर वेपराइज, आपूर्ति रन में ईंधन तो वाष्पन के कारण ईंधन आपूर्ति में पूर्ण व आंशिक रुकावट होते हैं, कंप्लीट ऑन प्लेटिन स्टॉपिट इन फ्लू सप्लाई ड्यू टू द वेपराइज और फ्लू सप्लाई सिस्टम, इंजन तो द्रव्य ईंधन तनों की आपूर्ति से, सप्लाई ऑफ लिक्विड फ्लू पार्टिकल ऑफ इंजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, आपूर्ति तरण में इंजन, थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम, राइट, जैसे ही शॉफ्ट एब्जॉर्ब दबाव जाता है तो पिस्टन ऑरिफेज फालिका से द्रव्य गुजरता है,
As to the sort abrasion in compressive flow pressure toward the piston orifice M, drop shift bar out of the drop sheath. Thrust cylinder to upper into upper the part of cylinder te niche band into the lower part of the cylinder. Hawa de touch the bar out of the air in this chamber. To ita jo right answer hai why cylinder के ऊपर यानी इनटू द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर के ऊपर से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सटीक स्थानों तो बताने के लिए जीपीएस उपकरण क्या उपयोग करता है, यानी जीपीएस उपकरण क्यों उपयोग करते हैं। व्हाट डू टू जीपीएस ड्राइव यू टू पिन पॉइंटर लोकेशन, उपग्रह लेजर रेडियो धर्मी तरंगे सौर ऊर्जा। तो क्या आएगा आपका सेटेलाइट, उपग्रह आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वाधिक सामान्य प्रकार का पंप थलीतान है जो ईंधन तो इसमें तेल के संचरण के लिए प्रयुक्त होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पंप यूज ऑफ सर्कुलेटर लुब्रिकेशन ऑयल इन द इंजन इज, ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल टाइप, ऑफ द प्लंजर टाइप, देयर पंप नॉन ऑन धीस। तो इतना जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए देयर पंप, क्या आ जाएगा ए देयर पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बॉल प्रकार का स्ट्रीम देयर ते पुनः संचरण का एक उद्देश्य थालिका में तमी करता है, यानी तमी करता है राइट आंसर बॉल का। वन पर्पस ऑफ द रिटिकुलेशन बॉल टाइप ऑफ स्ट्रीम देयर इन रिड्यूस ऑपरेटिंग फ्रिक्शन ऑपरेटिंग टेस्ट टी ऑफ ड्यूरिंग थ्रस्ट एंड नंबर ऑफ पाथ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑपरेटिंग फंक्शन, क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि आपकी त्वचा या टप्पों पर अम्ल दिख जाए तो उसे तुरंत थालीतान से साफ करना चाहिए। इच एसी फ्लू एन योर स्ट्रीम ऑफ क्लॉथ टप्पों पे क्लॉथ वॉश एट द एट्यूब विथ सल्फ्यूरी आम्ल से राइट सल्फ्यूरी ऐसे साबुन सोप जल या तेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए तो वो हो जाएगा वाटर से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट स्क्राइबर किससे बना होता है, वाज इज द स्क्राइबर मेड ऑफ कॉपर हाई कार्बन स्टील माइल इतनी टास्ट स्टील तो ये टास्ट आयरन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उस उपकरण का नाम बताएं जो बैटरी की आवेशित अवस्था को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक टू स्टेन ऑफ द चार्ज ऑफ बैटरी, हाइड्रोमीटर, आर्डर मापिंग, बैटरी चार्जर, बैटरी विशेषण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रो मापिंग।
जवाब है तो नेन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ चेंज ऑफ स्टेन इन चार्ज ऑफ बैटरी। बैटरी चार्ज है तो बैटरी तारे पर इंस्ट्रूमेंट की बैटरी तो क्या हो जाए हाइड्रोमापी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाहन की आधे की बत्ती के लिए परावर्तन का प्रकार बताएं। द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हेडलैम्प। पर वलयाकार, पैराबोलिक, दोलाकार, सेम्पिर, अति परावलयाकार, हाइब्रो हाइपरबोलिक या इक्विवेलेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परावलयाकार हो जाएगा। नेक्स्ट तो निम्न में से कौन से निलंबन स्प्रिंग ढूंढनी तो स्थापित करने का भी साधन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सस्पेंशन स्प्रिंग आल्सो एट ऑफ द मेन ऑफ लोटेड टू एसल। पतलित, लेमिनेटेड, कुंडली हेलिकल, आधुनिक पेंशन बार या रबर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। पतलित। नेक्स्ट है, जब दाब नियंत्रण वाल्व प्रचलित होना प्रारंभ होता है तब रहता दाब से आवेशित प्रभाव भाग होता है। विच प्रेशर विच प्रेशर रेगुलेटिव वाल्व विदिन इन द ऑपरेट द फर्स्ट पार्ट टू बी चार्ज विथ द प्रेशर इन द टॉर्ड तन्वेतन थ्रावत क्लज असेंबली माउंटेन वाल्व गवर्नर असेंबली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो टॉर्ड तन्वेन कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर के बॉट स्पॉट इसलिए संबंधित कारण है। एक ए टाई टायर है जो ब्लॉट स्पॉट वेयर द प्रोबेबल केस ऑफ दिस इन आवर इन फ्यूनेस अंदर इनिशन इम्प्रोडेड चेंबर या इम प्रो पर डायनामाइट एंड स्टेटिव बैलेंसिंग। तो अनुसूचित गतिशील एंड स्थिति संकुचन। तो राइट आंसर भी फोर्थ वाला हो जाएगा। मेरे इस चैनल पे एमपी पुलिस कांस्टेबल इंजीनियरिंग ड्राइंग आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर मैथमेटिक ग्रुप फोर सब ग्रुप थ्री स्टेनोग्राफी या एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऑल द पेपर्स है। आप चाहो तो चेक दे सकते हो। और मेरे चैनल तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें सब पा और लाइक भी करें। तो इस लेक्चर का फ़ायदा सब लोग उठा सकते हैं, बेल आइकन तो भी दबाएं। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल तो भी आप ज्वाइन सकते हैं। हाथ ले धन्यवाद। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।